ऑल्सो है गाइस, दिस इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जा रहे हैं 21 सेक्टर में। आपको शायद पता होगा मैंने भी राइडिंग जैकेट लेनी है, तो बस राइडिंग जैकेट लेने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी चीप प्राइस में है। न्यू जैकेट आई है मार्केट में, तो जैकेट के बारे में भी आपको बताऊंगा और आपको भी लेना होगा तो मैं शॉप का नंबर दे दूंगा, शॉप की डिटेल्स वगैरह, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना। वैसे भी चलते हैं 21 सेक्टर में और मैंने अपने भाई को भी बुला रखा है, तो आयन भाई भी आ रखे हैं, तो आयन भाई हमारे इस साइड को हैं, अपने आयन भाई। और एक और बात है, जो हमने जो धर्मशाला में जो जाना था तो वो राइड कैंसिल हो चुकी है और अभी हम जाएंगे नारकंडा भाई। अभी हम जाने वाले नारकंडा। नारकंडा में कोई जगह है हट्टू पीक करके, ये जो हम जा रहे हैं हट्टू पीक, ये काफ़ी फेमस जगह है एक तरह से, मतलब राइडिंग के लिए मोस्टली जाते ही हैं लोग, तो मे भी वहाँ स्नोफॉल हमें मिल सकती है भाई, मिल सकती है। अगर हमें स्नोफॉल मिल जाए तो बहुत काफ़ी एडवेंचर वाला सीन हो जाएगा और वैसे थोड़ा डेंजरस भी वैसे हो सकता है, क्योंकि वहाँ की मैंने रोड कंडीशन देखी थी बहुत, मतलब छोटी छोटी सी रोड्स हैं, बाकी सब बढ़िया है। बट ये है कि शिमला से आगे रोड काफ़ी क्लियर है, कोई हाँ। तो फिलहाल तो अभी यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बाकी चलते चलते हम बात करते हैं और मज़े लेते हैं। वैसे मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस में था, फिर ऑफिस से मैं फ्री हो गया थोड़ा जल्दी और फिर मैंने 21 सेक्टर में कॉल किया कि जैकेट आ चुकी है या फिर नहीं, तो बिकॉज मैं दो बार मैं पहले भी गया था वहाँ पे जैकेट का पता करने और उनको बोलने कि हाँ भाई जैकेट मंगवा दो, तो अब जैकेट आ चुकी है। मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था उन्हें, तो भैया कह रहे थे कि चलो ठीक है आप आ जाओ और ले जाओ, तो बस अभी वहाँ पे जा रहे हैं और ठीक है, काफ़ी अच्छा दिन है भाई हमारे स्कूल के बच्चों को बाय बाय करते हुए और आज का दिन काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। आपको भिन्ना ना आ जाए तो थोड़ी स्लो कर देते हैं बाइक को, होप करते हुए आगे का व्यू आ रहा हो, अच्छा आ रहा हो, गंदा ना आ रहा हो, क्योंकि आजकल मेरे को अभी इतना पता नहीं चलता कि व्यू कैसा आ रहा है, बस मैं एक जगह पर सेट करके रख देता हूँ माउंट को और एक्शन कैमरे को। एंड यार आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज अभी दो तीन दिन से मेरा माइक जो है वर्क नहीं कर रहा था और क्लॉल ये थे कि मैं ढंग से नहीं लगा पा रहा था जैक गलती वैसे मेरी थी इसमें, और मैं ये सोच रहा था कि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हो तो चलो मैंने ध्यान से एक बार लगा कर देखा, ये जो माउंट का जो होता है पिन जो होता है उसको थोड़ा सा फिर मैंने लूज़ किया, देन उसके बाद लगा कर देखा अच्छे से, तो वर्क कर रहा था माइक। टेंशन हो गई थी एक टाइम पे मेरे को कि हाँ राइड भी जाना है, कितनी लंबी राइड भी है, और वैसे ज़्यादा लंबी भी नहीं है बट राइड कम से कम 200-250 किलोमीटर तक की राइड है, तो मेरे को हो गया था कि यार फिर इतने मतलब बिना बातें किए आपसे कैसे जाऊँगा इतनी दूर, तो अब कर लिया है, सही हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है, तो बस यार राइड पर मज़े लेते हुए चलेंगे नारकंडा हट्टू पीक। एंड हट्टू पीक की यार मैंने जो रोड्स जो देखी हैं काफ़ी छोटी छोटी सी रोड्स हैं वहाँ की, मैंने यूट्यूब में थोड़ा सा सर्च किया था वहाँ के बारे में, एंड वहाँ पे कोई मैं अभी टेम्पल सा है, यहाँ से टर्न लेते हैं, तो अभी शॉप के बाहर आ चुके हैं और अभी हम अंदर को जाएंगे, तो अंदर का भी दिखाते क्या सीन है तो चलो भाई अभी अंदर चलते हैं। सरप्राइज अभी जैकेट ले लिया और काफ़ी अच्छी जैकेट है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वैसे जैकेट जो है ऑल वेदर जैकेट है, इसको आप कोई से भी वेदर में पहन सकते हो और अभी इसमें गार्ड्स लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हैं, लाइटिंग थोड़ी ओवर हो रही है अभी तो कर लेना भी थोड़ा सा एडजस्ट, बाकी शॉप ही है भैया की और भैया वैसे हैं नहीं जिनसे भी बात हुई थी, तो अभी इनके डैडी बैठे हैं, ये हमारे अभी अंकल जी हैं जो भी बैठे हैं शॉप पर, तो अगर ये वाली जैकेट अगर आपको लेनी होगी शॉप नंबर वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप अंकल को अगर अंकल बैठे होंगे तो अंकल से आप आगे बात कर लेना, तो अभी फिर चलते हैं यहाँ से। तो अभी मेरा कैमरा जो भाई ने हाईजैक कर लिया अभी मेरा हो गया थोड़ी देर के लिए कैमरा, अभी हम थोड़ी आपको जैकेट सिखाते हैं कैसी जैकेट ली है हमने, तो ये जैकेट लिया भाई ने, अभी लोगों भाई ने ये उड़ता हुआ ज़्यादा फीलिंग में
मेरे ख्याल से काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है इसकी जो जैकेट है। एक हमें एल साइज नहीं मिला, मैं एक्सल उठाएंगे। मैंने भाई का कैमरा लिया है, भाई ने मेरा हेलमेट पहना है, तो अब तो नारकंडा की राइड पक्की है। कैसे है जैकेट पहन के? जैकेट तो यार कंफर्टेबल है यार, पक्की बात है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है सच्ची में। बस ठीक है फिर, लग नहीं रहा कि मैंने बेल्ट टांगा हो। बस ठीक है फिर, मेरे को भी एक्सल लेनी पड़ेगी। वो कैसे आ गया? वो कैसे आ रहा है ये ना? हाँ नॉर्मल नॉर्मल जैकेट भी आ रही है, लुक नॉर्मल जैसी आ रही है, बट है राइडिंग जैकेट। वो कैसे आ रही है? अल्टीमेट राइडिंग जैकेट है। नहीं नहीं हाँ बढ़िया है। अभी हम रोमा की साइड खड़े हैं, अभी पहले फ्यूल डलवाते हैं, रेडी टू रेस। लो फ्यूल, इस बंदे की वजह से लो फ्यूल में हमें आना पड़ा। पर चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम हो गया 1:48। ओके सो गाइस, हम आ चुके हैं 20 सेक्टर में। मेरे को चंदन भाई का कॉल आया था जब मैं राइडिंग जैकेट ले आया था, शॉप पे था जब मैं, तो अभी यार 20 सेक्टर में पहुंच चुके हैं। वैसे यार मैं अभी थोड़ा टाइम पहले इतनी बातें कर रहा था, और अभी सीन क्या हुआ, मैंने अभी लाइटों पे देखा तो यार कैमरा ऑफ पड़ा था यार, कितनी गंदी ग्लो लगी मेरे साथ, शिट यार। मतलब चलो ये भी मेरी गलती है यार, कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज़ से भी, कोई बात नहीं। तो अब 20 सेक्टर में भी आ चुके हैं, तो चंदन भाई को कुछ काम था, तो ठीक है गाइस ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। और हाँ यार, अगर आपको ये राइडिंग जैकेट लेनी होगी तो मैं लिंक वैसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑनलाइन वैसे ऑनलाइन तो मेरे को पता नहीं कि मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं शॉप नंबर शॉप की डिटेल्स वगैरह दे दूंगा, तो शॉप वगैरह की मैं डिटेल दे दूंगा आप सभी को, तो आप जाके एक बार पता कर लेना। और यार ये मेरे को राइडिंग जैकेट जो है 3000 से 3500 तक की पड़ी है, तो मैं करेक्ट प्राइस नहीं बताऊँगा आप सभी को। तो बाकी एक बार आप चल जाना अगर आपको परचेज करनी होगी राइडिंग जैकेट, तो ये राइडिंग जैकेट वैसे अच्छी खासी अभी मार्केट में न्यू लॉन्च हुई है। तो फिर ठीक है गाइस, इस व्लॉग को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यार मैं अभी इतनी सारी बातें करता है बहुत बुरा लग रहा है, तो ठीक है गाइस अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो कीप लविंग की सपोर्टिंग, दिस इज द हेल्पर आईडी साइनिंग ऑफ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे अपने भाई को, और ऐसे ऐसे व्लॉग फिर हम लेके आते रहेंगे। आराम चल, हाँ तो फिर चलो ठीक है गाइस अभी चलते हैं ऊपर। ओ यार, तो ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।